मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं एमएस अली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर गया हूं आप सबके लिए जो सीनियर्स, तो सीनियर, जूनियर, मध्यम वर्ग के लोग, हर प्रकार के लोग उनमें से कुछ वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। और वो वर्ड्स हैं हमारे मंथ्स नेम, यानी कहने का मतलब है महीनों के अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन गलत ही करते हैं। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि 4 या 5 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग 80-90% लोग गलत ही किया करते हैं। पर डोंट वरी, आज के बाद से वो गलतियां अब आप सबके लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए मंथ्स के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और इन मंथ्स के नामों को सही से प्रोनाउंसिएशन करना सीखना। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन, आज की ये वीडियो। इसमें 12 वर्ड्स आए हुए हैं, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए कि मंथ्स के कुल मिलाकर 12 नाम होते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो इन सारे शब्दों को जब हम साउंड देते हैं, यानी जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमसे कौन सी गलती होती है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी, JANURY। इसको हम क्या कहते हैं? जनवरी ही कहते हैं। लेकिन ये जनवरी नहीं है, ये है जनवरी, JANURY, जनवरी। जनवरी का मतलब होता है जनवरी, ओके? ऐसा नहीं है कि JANURY जनवरी मीन्स जनवरी, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ बच्चे याद करते हैं, छोटे बच्चे, कि जनवरी मीन्स जनवरी, पर ऐसा नहीं होता है। जनवरी मीन्स जनवरी। दूसरे वर्ड को देखते हैं, फेब्रुवरी, जिसको हम क्या कहते हैं? फरवरी कह देते हैं, FEBRUARY, है ना? फरवरी मीन्स फरवरी, नहीं फरवरी नहीं है वो, डैट इज़ फेब्रुवरी, ओके? FEBRUARY, फेब्रुवरी मीन्स होता है फरवरी। तो ये जनवरी और फेब्रुवरी में अधिकांश लोग अक्सर गलती कर ही बैठते हैं, यानी उनसे ये मिस प्रोनाउंसिएशन हो ही जाता है, वो मिस प्रोनाउंस कर ही देते हैं। सो आज के बाद से इन दोनों शब्दों को आप मिस प्रोनाउंस नहीं करोगे, जनवरी बोलोगे इंग्लिश में बोलना हो तो, और उसको हल्का हिंदी के अकॉर्डिंग चलना है तो आप जनवरी बोलोगे। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च अगर ऐसे भी कहते हो ना तो भी ये इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन को लेकर के ऐसा बताया गया है कि जनवरी मीन्स जनवरी, फेब्रुवरी मीन्स फरवरी। तीसरा वर्ड मार्च, MARCH, मार्च मीन्स मार्च, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब बात करते हैं चौथे वाले की, अप्रैल, APRIL, अप्रैल। इसको हम अप्रैल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप्रैल, APRIL, अप्रैल मीन्स होता है अप्रैल। लेकिन बहुत सारे गांव में रहने वाले जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? अप्रैल। उनकी ज़ुबान से क्या सुनने को मिलता है? अप्रैल। लेकिन अप्रैल वर्ड तो है ही नहीं किसी बुक में, अप्रैल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सो अप्रैल तो पहली चीज़ है कि भाई, पहली चीज़ कि अप्रैल होता ही नहीं है, अप्रैल कुछ भी नहीं है, अप्रैल है और अप्रैल है। तो अगर अप्रैल कहते हो ना तो तुम हिंदी में कहते हो, और अगर अप्रैल कहते हो तो इंग्लिश में। तो कौन सा महीना चल रहा है भाई? अप्रैल का चल रहा है। तो जब मैंने अप्रैल बोला ना तो समझना कि मैंने इंग्लिश में बोला अप्रैल, फिर मैंने बताया कि नहीं अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मैंने अप्रैल जब कहा तो इसका मतलब है मैंने उसको हिंदी में करके बोला। तो अप्रैल मीन्स अप्रैल, जबकि दोनों इंग्लिश के ही वर्ड हैं, लेकिन आपको मैं समझने के लिए एक इंग्लिश और एक हिंदी बता रहा हूँ। नंबर 5, MAY, मे। ये तो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, MAY, मे मीन्स होता है सकना या परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, है ना? तो परमिशन लेने के लिए तो मे का प्रयोग हम करते ही हैं। लेकिन मे का दूसरा प्रोनाउंसिएशन क्या है, दूसरा इसका अर्थ क्या है? मई। मई के महीने को भी हम मे कहते हैं, MAY, मे मीन्स मई, ओके? तो आप मई कहते हो तो समझो कि हिंदी के अकॉर्डिंग बोल रहे हो मई, और नहीं तो आपको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना होगा तो आप इसको मे बोलोगे, है ना? जैसे कि कितना मे है आज, या कौन सी मे है आज, तो आज 13 मे है, 15 मे है, 20 मे है, ऐसे बोल सकते हो, ओके? MAY, मे मीन्स मई। नंबर 6, जून। जून में कोई बदलाव नहीं आता, JUNE, जून, यानी जून, जून मीन्स जून, इसमें कोई बदलाव नहीं। JULY, जुलाई मीन्स जुलाई, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, यानी आपने जून में कोई बदलाव नहीं किया, जुलाई में भी कोई नहीं किया, एंड मार्च में भी बिल्कुल नहीं होता है। तो ये 3 ऐसे शब्द हैं जो हूबहू वैसे ही लिख दिए जाते हैं, वैसे ही पढ़ दिए जाते हैं, वैसे ही प्रोनाउंस कर दिए जाते हैं। नंबर 7, नंबर 8, 7 तो हो चुका, अगस्त। इसको लोग अगस्त ही बोल दिया करते हैं, AUGUST, क्या है भाई? अगस्त है, नहीं अगस्त नहीं है वो, ये है अगस्त, AUGUST, अगस्त, और अगस्त का मतलब होता है अगस्त। नंबर 9, सितंबर, SEPTEMBER, ये सितंबर, ऐसे बच्चे कहते हैं सितंबर, लेकिन सितंबर नहीं है वो है सितंबर, और सितंबर का मतलब होता है सितंबर। नंबर 10, अक्टूबर, OCTOBER,
लेकिन हम सब क्या बोल दिया करते हैं, अक्टूबर 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 तो ठीक है भाई, लेकिन तुम उसको हिंदी में बोल रहे हो, उसको अंग्रेजी में प्रोनाउंस करना चाहो तो बोलोगे उसको बोलोगे अक्टूबर, और तब जा कर के हिंदी में अक्टूबर हुआ करता है। अक्टूबर इंग्लिश में, हिंदी में अक्टूबर। नंबर 11, नवंबर, एन ओ वी ई एम बी ई आर, इसका मिस प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हमसे, नवंबर, एन ओ वी ई एम बी ई आर, नवंबर मीन्स नवंबर नहीं, नवंबर मीन्स नवंबर नहीं, नवंबर मीन्स नवंबर। ओके, आप इसमें ए की मात्रा दोगे नवंबर, यानी इसमें ए की मात्रा दिए नवंबर, और इसमें ए की मात्रा हटा दिए तो नवंबर, तो एन ओ वी ई एम बी ई आर, नवंबर मीन्स नवंबर। और आज का ये लास्ट वर्ड है डिसम्बर, डी ई सी ई एम बी ई आर, इसमें हम डी की मात्रा देते हैं इंग्लिश में डिसम्बर, और तब जाकर वो होता है दिसंबर, यानी डिसम्बर मीन्स दिसंबर। और ब्रिटिश इंग्लिश को अगर फॉलो करो तो इसको बोलोगे डिसम्बर, र नहीं बोल सकते, नवंबर, अक्टूबर, सेप्टेम्बर, ऐसे करके हम आर को साइलेंट कर लेते हैं। इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये समझाया था ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया था। खैर उतना वक्त तो है नहीं, बट ये आपको जो मंथ्स के नेम मैंने आपको बताया जो हम मिस प्रोनाउंस बहुत दिनों से करते आ रहे थे, आज के बाद से ये आपका मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, यानी मिस प्रोनाउंस आप इसको नहीं करोगे, आप मेरे से वादा कर लो। एंड इन सारे शब्दों को आप अच्छे तरीके से याद कर लो और अपनी लैंग्वेज में इन्हें उतार लो, और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप जनवरी फेब्रुवरी ऐसे करके बोलना, अच्छा इंप्रेशन जमाओगे कहीं भी और किसी भी स्थान पर किसी भी जगह। और बच्चों आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि इन सारे वर्ड्स को अच्छे से लिख लो और इनको दो बार तीन बार चार बार करके अच्छे से देखो और इनका सही जो प्रोनंसिएशन है, सही जो इसका उच्चारण है वो सीख लो, ये बहुत ही काम की चीज़ है। वैसे तो बहुत ही छोटी चीज़ है ये, लेकिन फिर भी देखने में छोटा पर घाव करे गंभीर, आपने ये प्रोवर्ब सुनी होगी, देखने में छोटा पर घाव करे गंभीर, सो आप इसको छोटा मत समझो, ये घाव गंभीर कर सकता है, ये बड़ी सी चोट दे सकता है, बड़ा सा जख्म दे सकता है। सो इन सारे शब्दों का सही प्रोनंसिएशन आप सीख लो मुझसे। ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि क्या पहले से आप इन सारे शब्दों का सही प्रोनंसिएशन जानते थे, अगर जानते थे तो भी बताना, नहीं जानते थे तो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।